दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि कश्मीर पर पाकिस्तान को हर मंच पर हार मिली है, सिर्फ और सिर्फ धुतकार मिली है, और यही वजह है कि पाकिस्तान और इमरान खान अपनी पुरानी फितरत पर लौट आए हैं। और उनकी पुरानी फितरत है क्या, हम और आप सभी जानते हैं। अब देखिए, सिर्फ एक ही चीज है जिसके सहारे है वो, और वो है आतंकवाद। आतंकवाद के सहारे वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की फिराक में है, और अपनी धरती पर पल रहे आतंकवादी संगठनों को तैयार कर रहे हैं, पाल रहे हैं, ताकि वो कश्मीर का बदला ले सके। पूरी खबर आपको समझाते हैं 30 सेकंड। तो हमारे दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवल, गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी पर आतंकी हमले की फिराक में है कि जैश ए मोहम्मद के निशाने पर। जैश ने भारत के 30 बड़े शहरों पर आतंकी हमले की धमकी दी है, और इसके अलावा देश के 4 बड़े हवाई अड्डों पर भी बड़े हमले की साजिश रची है जैश ने। सुरक्षा एजेंसियों को जो खबर मिली है उसके मुताबिक जैश के करीब 10 आतंकी हैं। ये 10 आतंकियों का मॉड्यूल है, जम्मू कश्मीर एयरफोर्स बेस पर ये हमला कर सकता है। और खुफिया एजेंसियों को मिली इस जानकारी के बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। देखिए अमित, हमारे दर्शकों को यहाँ पर ये बात समझनी है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और भारत सरकार, पिछले बयान भी आप उठा लीजिए, भारत सरकार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से अब इनकार नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर अब बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं, पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी जी। कश्मीर पर हर बार 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 मोदी हराते गए और इमरान हारते गए। 5 अगस्त को भारतीय संसद के एक फैसले ने इमरान खान को घुटनों पर ला खड़ा किया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आई मीन वी कांट अटैक इंडिया इफ यू नो क्लियरली दैट्स नॉट एन ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, अपार्ट फ्रॉम सॉर्ट ऑफ यू नो स्टार्टिंग अ वॉर, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल वी कैन, वी आर ऑल द टाइम एक्सप्लोरिंग एवरी पॉसिबिलिटी। हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो करते रहेंगे जो करते रहे हैं, यानी आतंक का गंदा खेल खेलेंगे। इमरान खान के आतंकी इरादों का सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की चिट्ठी। वो चिट्ठी जिसमें जैश का प्लान MSD है। M का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, S का मतलब गृह मंत्री अमित शाह, D का मतलब NSA अजीत डोवल। इमरान खान कश्मीर पर हुई शर्मनाक हार का बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और NSA डोवाल से लेने के फिराक में हैं जैश के जरिए। जैश ए मोहम्मद ने एक खत में लिखा है कि हिंदुस्तान के 30 बड़े शहर टारगेट में हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के 4 बड़े हवाई अड्डे भी टारगेट में हैं, जहां पे आत्मघाती हमला हो सकता है। जैश का तो ये भी प्लान है कि जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पे अटैक करा जाए, पर भारतीय सेना तैयार है जैश ए मोहम्मद के हर प्लान को नाकामयाब बनाने के लिए। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? Why say repeat? Why not something beyond that? इमरान खान के इशारों पर काम करने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कोई भी गुस्ताखी की तो अब की बार मिशन बालाकोट नहीं बल्कि होगा मिशन पाकिस्तान। जैश की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय शूरवीरों का पराक्रम काफी है। आतंकी हमले की धमकी के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गाजियाबाद के सभी बड़े वायुसेना स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, हिंडन एयरबेस को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है।
न्यूयॉर्क से अनस मलिक और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया।